लाल किला दिल्ली हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री गेट है और आप देख सकते हैं किस तरह के विजुअल्स इस वक्त यहाँ भी। हम कुछ खास विजुअल्स आपको दिखाने वाले हैं लाल किला अंदर के विजुअल्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। लाल किला दिल्ली हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐतिहासिक हिस्सा जो कयामत तक याद किया जाएगा। मुगल शहनशाह शाहजहां ने 1649 में संगे बनियाद रखी और 1648 में लाल किला दिल्ली बनाकर मुकम्मल किया गया। अभी हम मौजूद हैं लाहौरी गेट से हम इंटर हो चुके हैं। चार गेट हैं लाल किला के जिसमें ये गेट जो आप देख रहे हैं इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया है क्योंकि इसका जो रुख है वो पाकिस्तान लाहौर की तरफ है इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया। और अभी हम अंदर को जा रहे हैं। ये जो अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर शहनशाह शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में औरतों उनकी जो चार लड़कियाँ थीं उनके लिए यहाँ पर जेवरात और बाकी खरीदो फरोख्त करने की चीज़ें जो औरतों के लिए बर्तन वगैरह हुआ करते थे वो यहाँ पर मिला करते थे। यहाँ सिर्फ औरतें ही सामान बेचा भी करती थी और औरतें ही ख़रीदा भी करती थी, पुरुषों के लिए यहाँ पर इजाज़त नहीं थी। अभी हम अंदर चल रहे हैं और देखते हैं कुछ खास विजुअल्स लाल किला दिल्ली के हवाले से। लाल किला दिल्ली हिंदुस्तान के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। जिस तरह दौरान मुगलिया हुकूमत हिंदुस्तान में रही और काफ़ी लगभग तकरीबन 300 साल से कमोबेश मुगलों ने हुकूमत की जिसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें रचाई बसाई और बनाई गई जिसमें लाल किला दिल्ली का नाम फ़रहस्त अवल में आता है। जैसे ताजमहल हो, लाल किला दिल्ली, जामिया मस्जिद दिल्ली और ऐसे कई ऐतिहासिक चीज़ें जो बनाई गई। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये म्यूज़ियम्स हैं और यहीं पर जो है शहनशाह शाहजहाँ के दौर में और उसके बाद जो मुगलिया हुकूमत यहाँ पर रही तो यहीं से अपना कारोबार चलाया करते थे। ये वो लाल किला दिल्ली है जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो है अपना भाषण दिया और उसके बाद हिंदुस्तान का हर प्रधानमंत्री इलेक्ट होने के बाद यहाँ से भाषण ज़रूर देता है। यहाँ पर जो आप बागात देख रहे हैं इन बागात में शहनशाहों की बीवियाँ और उनका जो बाकी जितना भी अमला था वो यहाँ रहा करता था। हर अमले के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई गई थी और अपनी बीवियों के लिए भी जिस तरह के यहाँ पर एक मुमताज़ महल भी बनाया गया है जो अब एक म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल घूमना हो पूरा विज़िट करना हो तो मुझे लगता है कि इसके लिए कई दिनों की ज़रूरत है। लेकिन और ख़ासकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक गाइड की भी ज़रूरत रहती है जो यहाँ के इतिहास के बारे में एक एक पॉइंट आपको समझा सके बता सके। हालांकि हम पहली बार आए हैं तो हम कोशिश करेंगे जितना हमें पता चले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गरदारी भाई को भी आप देख रहे हैं विजुअल्स के अंदर, गरदारी भाई भी मेरे साथ हैं और वो भी अपनी कवरेज कर रहे हैं। तो अगर मुगलिया हुकूमत की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ सिवॉर्ड्स हैं, तलवारें हैं, ये वो हथियार वो औजार हैं जो उस वक़्त के दौर में इस्तेमाल जंग के दौरान की जाती थी। कुछ राइफल्स आप देख रहे हैं, कुछ पिस्टल्स जो कि म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर आज भी संभाल कर सरकार की तरफ से रखी गई हैं और बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं। आप देख सकते हो ये वो तलवारें हैं, ये वो चाकू हैं या फिर जो यहाँ पर जितने भी आप पिस्टल्स वगैरह देख रहे हैं ये दौरान मुगलिया सल्तनत में जंग करने के काम आया करती थी और ये आज भी यहाँ पर एक तारीख बनकर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप हथियार देख रहे हैं ये सब उस वक़्त जंग करने के काम में इस्तेमाल किया जाता था और इन्हीं के ज़रिए से जंगें लड़ी जाती थी। तो यहाँ पर नाम भी लिखे हैं कि किसका यहाँ पर क्या है और किस तरह यहाँ पर ये रखी गई हैं ये आप देख सकते हैं। कुछ धनुष हैं, कुछ तीर कमान हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं और ये सब शहनशाह शाहजहाँ के दौर की और उसके बाद जो मुगलिया हुकूमत रही जो शहनशाह उसके बाद आए चाहे औरंगज़ेब हो, बहादुर शाह जफर हो तो उस वक़्त या फिर अकबर हुमायूं जो पहले स्टार्टिंग में थे, बाबर था चाहे फिर जहांगीर, जितने भी मुग़ल शहनशाह थे उनके दौर की ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज भी मौजूद हैं और बिल्कुल सेफ़ रखी गई हैं। तो ये कुछ तस्वीरें जो हम अब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं
अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद अपडेट्स आज के बाद भी हम आपको दिखा सकें। तो आप देख सकते हैं, तो भाई मेरे पीछे आप देख रहे हैं दीवाने आम है, जहाँ पर उस वक्त मुग़ल इम्प्रेस जो थे वो लोगों को बुलाते थे और वो अपने अपने जो है डिमांड्स लेकर आते थे। ये पीछे आप दीवाने आम देख रहे हैं, और अभी कुछ खास म्यूज़ियम्स और यहाँ पर हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मेरे साथ गरदारी भाई भी हैं, तो इनके यूट्यूब चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं, इन्होंने भी ओवरऑल कवरेज की है जितना इनसे हो सका है। बहरहाल बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं, जो एक दिन में कवर करा तो टोटली इम्पॉसिबल है, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। फ़िलहाल दीवाने आम आपको दिखाया। तो भाई लोग, हम अब लाल किला से वापस को निकलने जा रहे हैं और अब हम जाएंगे जामिया मस्जिद दिल्ली के लिए। और ये आप देख सकते हैं, यह है लाल किला दिल्ली का जो है एंट्री गेट है, और अभी हम अंदर से जो है वापस बाहर को आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ के विजुअल्स, लाल किला दिल्ली की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भाई लोग, जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, ये फ्रंट गेट से अंदर आते ही एक छोटी सी मार्केट यहाँ पर है, जो उस वक्त भी बादशाह के जो लड़कियाँ थी, शहनशाह शाहजहाँ की जो चार लड़कियाँ थी, उनके लिए छोटी सी एक मार्केट बसाई गई थी, जहाँ पर उनके लिए जेवरात, ये वहाँ उनके लिए बर्तन और बाकी ज़रूरत के काम आने वाली चीज़ें जो थी वो उनको मिलती थी, यहाँ से फराहम की जाती थी, और औरतें ही वो सामान बेचा करती थी, औरतें ही खरीदा करती थी, पुरुषों के लिए इजाज़त नहीं थी। और वो दस्तूर आज भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर जो है सामान बेचा जाता है, और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आज भी मार्केट है, और वो जो तारीख थी उसको ज़िंदा रखा गया है। शहनशाह के दौरान में यहाँ पर गाना बजाना भी हुआ करता था, और वो गाने बजाने की जो रस्म है वो आज तक यहाँ पर कायम है, वो भी हम कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल बाहर चलते हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर जो है लाल किला के अंदर जब शहनशाह जो भी उस वक्त हुआ करता था, तो गाने बजाने का दस्तूर बहुत ज़्यादा था, शहनशाह गाने बजाने और नाच गाने का काफ़ी शौक़ रखा करते थे। और इस तरह से जिस तरह आज हम बर्थडे मनाते हैं साल में एक बार, तो शहनशाह के टाइम में बर्थडे जो है हर हफ्ते मनाया जाता था और प्रोग्राम्स किए जाते थे। ये दीवार है, चार दीवारी जो लाल किला की बाहर से है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये आप लाहौरी गेट देख रहे हैं, जहाँ से एंट्री की जाती है और वापस भी हम यहीं से आए। अभी आपको कुछ विजुअल्स हम दिखाएँगे जहाँ पर नाच गाना किया जाता था, और वो नाच गाने की जो रस्म रिवाज आज भी यहाँ पर कायम है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर नाच गाने की रस्म जो है आज तक कायम है, जो शहनशाहों के टाइम में, बादशाहों के टाइम में नाच गाना किया जाता था और अपने शौक को पूरा किया जाता था, उस रस्म को आज भी कायम रखा जाता है। हम ऐसी मज़ीद अपडेट्स अब तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे एक और किसी व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आदाब, सलाम।